नमस्कार दोस्तों, भाग्यलक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऋषि और लक्ष्मी दोनों मिल चुके हैं, लेकिन दोस्तों इस समय दोनों के दोनों कोमा के अंदर हैं। आप लोग जानते हैं कि कोमा में होने के साथ साथ में अब मलिष्का को डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ऋषि और लक्ष्मी बचें और उसके बाद में मलिष्का को वाकई में बचने का समय ना मिले। इसलिए मलिष्का अपनी लगातार चाल खेलती हुई नज़र आ रही है, और मलिष्का का चाल खेलने का रीजन भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी सॉलिड देखने को मिलता हुआ नज़र आएगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा सस्पेंस में हैं कि आखिरकार कोई करे तो करे क्या, क्योंकि सभी लोगों का मानना यह है कि जो होता है वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए होता है। और इस समय लक्ष्मी की बात की जाए तो लक्ष्मी जब तक ऋषि के साथ हैं ऋषि को कुछ नहीं होगा, ये सत्य है, क्योंकि दोस्तों ऋषि बच जाएगा और लक्ष्मी की बदौलत ही बचेगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी एक बहुत ही बड़ी मोड़ पर जा चुकी है, जिसके किसी ने अपेक्षा भी नहीं की होगी। आप लोग जानते ही हैं कि समय सभी लोगों का मानना ये है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी में एक और भी नया ट्विस्ट आता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि दोस्तों सभी लोगों का मानना ये है कि जो होता है वो जल्दी ही अच्छे के लिए होगा, क्योंकि मलिष्का होगी अंदर और साथ में लक्ष्मी और ऋषि की शादी की और इनकी प्यार की होगी जीत, क्योंकि पहले ही आयुष ने बोल दिया था कि जो होगा वो अच्छे ही चीज़ होनी चाहिए। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी का एक और भी नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर मलिष्का की मॉम इस समय मलिष्का से खिलाफ़ चल रही है। जी हाँ साथ ही दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर। जी हाँ, आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए।